What's up guys, this is Guru Maan. ये है Guru Maan Challenge Season 3. जी हाँ, आज हम पहला चैलेंज आपको मैं देने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है इंडिया के अंदर, बाकी कंट्रीज के अंदर भी, तो आप घर में बैठे हैं, किस तरह से आप घर के अंदर ही इस चैलेंज को परफॉर्म कर कैश अमाउंट जीत सकते हैं, और जो कैश अमाउंट आप जीतेंगे वो सेम अमाउंट मैं डोनेट भी करूंगा, जो इस समय फूड की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, मैं वो डिपार्टमेंट जो फाउंडेशन है उसको डोनेट करूंगा ताकि वो फूड लोगों तक पहुंच पाए। तो इसका मतलब है कि आप घर बैठे बैठे एक तो आप कैश प्राइज अपने लिए जीतेंगे, और दूसरा जो भी आप जीतेंगे कैश प्राइज वो सेम अमाउंट में डोनेट भी करूंगा। तो इसका मतलब है आप अपने साथ साथ दूसरों का भी फेवर करेंगे। तो चलिए इस चैलेंज सीरीज के अंदर हम जो सारी एक्सरसाइज है वो घर के अंदर परफॉर्म करेंगे, इसलिए मैंने घर के अंदर ये कैमरा लगाया हुआ है, और सारी बॉडी वेट एक्टिविटी है, आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, और ये चैलेंज है 45 सेकंड का चैलेंज है, मतलब 45 सेकंड के अंदर आपने उस चैलेंज को परफॉर्म करना है। जो भी मैं एक्सरसाइज करूंगा बॉडी वेट, आप जो भी एक्सरसाइज करूंगा, जो भी मैं नंबर हिट करूंगा, आपने उससे ज्यादा लगाने हैं, जो भी मेरे रैकेट को बीट कर सबसे ज्यादा हाईएस्ट लगाएगा, नया रैकेट सेट करेगा, वो विनर होगा। और अमाउंट किस तरह से आपको मिलेगी, क्विकली हर एक रेपिटेशन के ऊपर आपको 100 रुपीज मिलेंगे। इसका मतलब है कि जब आप, मैंने अगर 30 रेप्स लगाई और अगर आपने 50 रेप्स किए 45 सेकंड के अंदर, जिसने भी 45 के अंदर जितने भी हाइएस्ट किए, लेट्स पुट कि आपका हाइएस्ट नंबर 50 है, तो 50 × 100 रुपीज 5000 रुपीज आपको अपने कैश जीता, और वो 5000 सेम हम डोनेट करेंगे, तो 10,000 की अमाउंट होगी, टू तो 5 आपको मिलेगी, 5000 डोनेट करूंगा मैं, और वो जो मनी है वो आपके बैंक में डायरेक्टली आएगी, मेरे जो बिजनेस अकाउंटेंट है वो आपको RTGS के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इस समय सप्लीमेंट्स तो आपको दे नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है, डिलीवरी नहीं है, तो कैश मनी आपको रिसीव होगी, और सेम कैश मनी हम डोनेट करेंगे। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मेट है, जो डिटेल फॉर्मेट है उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, क्या करना है आपने उसके बारे में भी बात करता हूं। जब आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपने वीडियो बनानी है अपनी 45 सेकंड रॉ ऑन एडिट, कोई टचिंग नहीं, कुछ एडिटिंग नहीं करनी, और वो वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालने के बाद दोनों में से एक पर या दोनों पर आपकी मर्जी, वो जो लिंक है जो क्रिएट होगा ऑनलाइन, वो लिंक आपने हमें मेल करना है। कहां मेल करना है? contestwithtseries@gmail.com के ऊपर आप उस लिंक को भेजेंगे। वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है, आपको लिंक भेजना जरूरी है। अब आपने हैशटैग्स का जो इस्तेमाल करना है वो ध्यान रखिए, 3 हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे। पहला गुरु मान चैलेंज 3, दूसरा 45 सेकेंड चैलेंज, तीसरा गुरु मान जो भी आपका चैलेंज होगा उसका नाम, जिस जो आज का हमारा चैलेंज है वो वी पुशअप चैलेंज, तो जो आपका हैशटैग बनेगा वो बनेगा गुरु मान वी पुशअप चैलेंज। याद रहे आप स्पेलिंग डबल चेक करें जब भी हैशटैग करें, बिल्कुल गलत हैशटैग ना करें, पिछले 2 सीजन के अंदर बहुत लोगों ने गलत हैशटैग कर दिया, वीडियो हम देख नहीं पाए, और आपकी वीडियो दूसरे बंदे भी देख नहीं पाए, मतलब सभी नहीं देख पाए, हम तक भी पहुंच नहीं पाए। अब आपका जो सब्जेक्ट होगा उस पर ध्यान देते हैं, जब आप YouTube पर अपलोड करेंगे वीडियो को तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, कितने आपने रैप किए, आपका नाम, उसके बाद गुरु मान वी पुशअप चैलेंज 2020, मतलब अगर आपने थोड़ी रैप की है तो आप लिखेंगे थोड़ी रमेश कुमार गुरु मान चैलेंज, गुरु मान वी पुशअप चैलेंज 2020। सेम जो सब्जेक्ट है वही आप ईमेल में भी सेम सब्जेक्ट टाइप करेंगे। अगर आपने सब्जेक्ट सही नहीं किया तो आप डिसक्वालीफाई होंगे, क्योंकि जब बहुत हजारों के हिसाब से एंट्री आती है तो सब्जेक्ट गलत होने के कारण हमें नहीं पता चलता, जो हमारी टीम बैठेगी देखेगी, बहुत मुश्किल होता है
उसके अंदर से फिल्टर कर पाना। आज जो आपने वीडियो जो मैंने आपको चैलेंज दिया है उसका रिजल्ट जो सबमिशन है वो आपने 48 आवर्स के अंदर कर लिया, मतलब है कि वेंसडे मतलब बुधवार को शाम 6 बजे तक आपकी एंट्री आ जानी चाहिए। अगर आपने शाम के 6 बजे तक एंट्री नहीं की या उसके बाद करते हैं तो वो आपकी आप क्वालिफाई नहीं होंगे, आपकी वीडियो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप उसके अंदर। तो आपकी वीडियो जो है 48 घंटे के अंदर अंदर आनी चाहिए, शाम के 6 बजे थर्सडे को आपकी लास्ट एंट्री हो, माय बैड बुधवार, और नेक्स्ट डे थर्सडे को आपकी रिजल्ट वीडियो होगी जो मैं आपको रिजल्ट दूंगा, जिसने भी हाईएस्ट लगाए होंगे जो विनर होगा उसकी वीडियो हम एक दिन बाद मतलब थर्सडे शाम को 6 बजे रिलीज करेंगे। उसके बाद एक दिन बाद फ्राइडे को शाम 6 बजे आपके लिए दूसरा नया चैलेंज होगा। इस तरह से आपका चैलेंज, उसके बाद आपके 2 दिन सबमिशन के, उसके बाद रिजल्ट, फिर चैलेंज, और हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए अब मैं कर लगा हूं वी पुशअप। आपने कहा लगानी है, आपके पास चेयर चाहिए घर के अंदर, कोई भी आपकी स्टैंडर्ड चेयर है, स्टैंडर्ड साइज चेयर होती है जो घर के अंदर नॉर्मल चेयर, उस पर आपने पैर रखने हैं और अपनी बॉडी वी में जाएंगे और आप पुशअप करेंगे। ऑफकोर्स चेस्ट एंड शोल्डर में इंक्लाइन एरिया का आपका वर्कआउट है, 45 सेकंड में जितने आप लगा सकते हैं, फॉर्म सही हो, फॉर्म में कॉम्प्रोमाइज ना करें, जितनी तेज करें डज नॉट मैटर, फॉर्म सही हो, 45 सेकंड एज मेनी एज यू कैन। सो आपको चेयर चाहिए इसके लिए और कहीं पर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए मेरा सारा सेटअप रेडी है, शुरू करते हैं। मैंने लगाए 42 reps 45 सेकंड के अंदर वी पुशअप, आपने मेरे से ज्यादा लगाने हैं और नया रैकेट सेट करना है, और आप डोंट फॉरगेट सही सब्जेक्ट टाइप करना ईमेल में, सही सब्जेक्ट टाइप करना यूट्यूब में, सही हैशटैग का इस्तेमाल करना यूट्यूब पर, और सही हैशटैग का इस्तेमाल करना इंस्टाग्राम पर, और उसके बाद आप सबमिट करें, 2 दिन बाद मैं आपको रिजल्ट देता हूं। Take care guys, कोरोना वायरस के दौरान एक्टिव रहिए, डू बॉडी वेट वर्कआउट, स्टे हेल्दी, स्टे इनसाइड, प्रोटेक्ट योर फैमिली। दिस इज गुरुमान आउट।